बिस्मिल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में प्रॉपर्टी पर छह किस्म का कौन कौन सा और कितना टैक्स है, क्या ये टैक्स इन्वेस्टर को देना होगा या सेलर देगा, 18% वैल्यू एडिड टैक्स कौन देगा, क्या ये फार्मर को देना जरूरी है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि 18% वैल्यू एडिड टैक्स कौन सी प्रॉपर्टी पर लागू नहीं है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक माशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तुर्की में प्रॉपर्टी पर छह किस्म का कौन कौन सा और कितना टैक्स है। जी कलीमुल्ला, तुर्की में एक्चुअली बहुत से लोगों ने जो जब से प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोग्राम किया है जी सर, तो बहुत से लोग टैक्स के हवाले से हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, तो आज हम स्पेशली टैक्स के मौजू पर ही आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आप डिटेल से और हौसले से देखें क्योंकि ये बहुत बहुत ही अहम टॉपिक है। अब देखें, तुर्की में जो है तकरीबन छः किस्म का डिफरेंट टैक्स है, 6 different types हैं। सबसे पहला जो है नंबर वन आपने जहन में रखना है कि जिसे हम बोलते हैं ये टाइटल डीड फी जो है गवर्नमेंट का, ये टैक्स है। जब प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी तो उसका जो आपने टैक्स पे करना है 2.2%, यानी 2.2% ये टैक्स प्रॉपर्टी डीड, यानी कि जिसे आप रजिस्ट्री कह लें या प्रॉपर्टी आपके नाम होने का जो गवर्नमेंट की फीस है वो है। उसके बाद आ जाता है वैल्यू एडिड टैक्स, नंबर टू वैल्यू एडिड टैक्स, वैट इसको बोला जाता है। अब बात ये है कि जो फॉरनर है उसने वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना, लेकिन फॉरनर को ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है जिस पे वैल्यू एडिड टैक्स लागू ना हो। अब फॉरनर जो है वो एग्जेम्प्टेड है वैल्यू एडिड टैक्स से, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी डीलर या कोई ऐसा कंसल्टेंट या कोई बंदा आपको ऐसी प्रॉपर्टी बेच देता है जिसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स लागू है तो फिर आपको लाजमी देना पड़ेगा, बायर को फिर देना पड़ेगा। अब इसलिए प्रॉपर्टी लेने से पहले आपने देखना ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स लागू है या नहीं है। सपोज करें कि जो प्रॉपर्टी कंपनी है यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जब वो प्रॉपर्टी पहली दफ़ा आप ही को सेल करती है तो उसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर सपोज करें कि वो प्रॉपर्टी कलीमुल्लाह ने ख़रीद ली है और ये ख़रीदे हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, यानी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और ये प्रॉपर्टी आपको बेच देता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो वैल्यू एडिड टैक्स उस प्रॉपर्टी पे लागू है, या आप देंगे या ये देगा। तो अगर आप इसी तरह फाइनल नहीं करते तो वो वैल्यू एडिड टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो होता ये है कि मोस्टली जो प्रॉपर्टी 1 साल से पुरानी हो चुकी होती है उसके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स नहीं होता, और अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कंपनी से ली जाए और फर्स्ट टाइम जो बायर होता है उसको नहीं देना पड़ेगा, बायर अगर फॉरनर है तो ठीक हो गया। अब अगर आप प्रॉपर्टी कंपनी से प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, प्रॉपर्टी ऑनर से ले रहे हैं लेकिन उसकी कोई प्रॉपर्टी कंपनी नहीं है, मसलन आप बाहर शहर में कोई घर खरीदते हैं, कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो वो आप प्रॉपर्टी ऑनर से ख़रीदते हैं, नई प्रॉपर्टी नहीं है, ओल्ड प्रॉपर्टी है आपने ख़रीद ली है, तो उसके ऊपर आपको वैल्यू एडिड टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक हो गया। और वो ऑनर क्योंकि एक ही दफ़ा सेल कर रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा सेल कर रहा है तो उसको भी जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक हो गया। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और एक बंदा क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदता है और उसको सेल करता है, फिर ख़रीदता है सेल करता है, फिर ख़रीदता है सेल करता है, तो क्योंकि हर 2-4 महीने में वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा होता है और सेल कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट ने इसको डिस्करेज करने के लिए जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है और 1 साल से पहले सेल कर रहा है, ख़रीद रहा है और 1 साल से पहले सेल कर रहा है, उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा हर दफ़ा जब वो ख़रीदेगा उसको बेचेगा, सेल परचेज करेगा। तो इसलिए आपने ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है, या तो आप डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ही कंस्ट्रक्शन कंपनी से ले रहे हो, या आप ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसको जिस बंदे ने ख़रीदी हुई तकरीबन साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं या इससे ज़्यादा,
या फिर आप प्रॉपर्टी कंपनी से प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहे, जो मालिक मकान है घर वाला या अपार्टमेंट वाला उसी से ले रहे हैं और वो बायर है, पुरानी प्रॉपर्टी है या नई अगर उसने बिल्ड किया तो आप नहीं ले रहे हैं, तो मालिक मकान से ले रहे हैं लेकिन उसकी कोई प्रॉपर्टी कंपनी नहीं है। तो कंफ्यूज ना हो, यानी कि फॉरनर जो है किसी भी सूरत में उसको वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होता, ये आपका डीलर या आपका कंसल्टेंट आपको फंसाता है और कहता है कि गवर्नमेंट का टैक्स है आपने देना, गवर्नमेंट ने तो आपको सहूलत दी है, आपने टैक्स नहीं देना होता। अगर कोई आपसे लेता है तो वही तो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। अगर आपसे ये कोई वैल्यू एडिड टैक्स ले रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लें। इसी के लिए ही तो हम मैदान में आए कि आप लोगों को अवेयरनेस दें। इसी को तो व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, इसी को तो धोखा कहा जाता है, जो आपकी आंखों के सामने होता है, आपके हाथों से होता है और आपको पता नहीं चल रहा होता। $1,00,000 की प्रॉपर्टी ली, उस पर 18% आपने जो दिया है, फर्ज कर लो $18,000, अब वो $18,000 आपने जो दिया है आपने अपने हाथों से दिया है और आपसे ये कहकर लिया गया है कि ये गवर्नमेंट को देना है, लेकिन वो असल में आपने तो देना नहीं था, वो तो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा उसने देना था। इसी को धोखा कहते हैं। ये कैलकुलेटेड और बड़े इंटेलिजेंट तरीके से इंजीनियर्ड किया हुआ वाइट कॉलर क्राइम है। तो मेरे प्यारे भाई इसको समझें, प्रॉपर्टी डीड पर 2.2 वो हो गया आपने, और दूसरा वैल्यू एडिड टैक्स 18% है, तीसरा है स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट लेती है वो 0.948% है। तो 0.948% को आप सीधा कह लें कि 1% स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं नोटरी चार्जेस, वो तो जाहिर है आप नोटरी पब्लिक कहीं से भी काम करवाएंगे तो उसके अपने एक ऑफिशियल चार्जेस है, वो आपने देने हैं, वो ज़्यादा नहीं होते, वो भी तकरीबन कम ही होते हैं, 0.5% ले लें। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, इसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं या प्रॉपर्टी को आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं तो इसी तरह से आपको उसके ऊपर जो एनुअल टैक्स देना पड़ता है वो 0.01% होता है, ठीक हो गया। परचेज करते हुए अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जो जनरल प्रॉपर्टी टैक्स है 1% है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे वो 2% होता है जो गवर्नमेंट लेती है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टी लेने के बाद उसको रेंट पे देते हैं, यानी कि उसका प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज़ करते हैं, तो फिर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, वो इनकम टैक्स कहलाता है, जिसको प्रॉपर्टी इनकम टैक्स कहा जाता है, और उसकी रेशो 15% से शुरू होकर वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी पर 20% तक जाती है। वो उस वक्त आपने देना होता है जब आप प्रॉपर्टी को मसलन होटल बनाया हुआ है, हॉस्टल बनाया हुआ है, या प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे रहे हैं, तो वो जो आपको रेंटल इनकम आ रही है उस रेंटल इनकम का आप 15 से 20% देते हैं। माधुस्वाम, तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स होगी। पहली टाइप, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा आपके लिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली टाइप ये है आपकी टाइटल डीड फी 2.2%, एक। दूसरा है वैल्यू एडिड टैक्स, वो आपने नहीं देना, कभी नहीं देना, अगर आपसे कोई लेता है तो वो आपके साथ धोखा करता है, ये 18% होता है। लेकिन इसमें फिर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो ये है कि अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर 1% है, अगर नई प्रॉपर्टी है, हाई वैल्यू प्रॉपर्टी है, उसका जो एरिया 150 स्क्वायर मीटर से कम है, 150 स्क्वायर मीटर से कम है तो इस पर 8% होता है, और अगर 150 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो उस पर 18% होता है। लेकिन ये दोनों सूरतों में ही, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, ये आपने पे ही नहीं करना, आप फॉरनर हैं, आप तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो सेलर होता है उसी ने पे करना होता है, अगर कोई आपसे लेता है तो ये आपके साथ धोखा कर रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाएं स्टैंप ड्यूटी, मैंने बताया 0.948 है तो आप 1% उसको कर लें। नोटरी चार्जेस हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है जो तकरीबन 1% आ जाता है कमर्शियल, और उसके रेजिडेंशियल पर 2% जो है कमर्शियल पर आ जाता है, ये एक दफ़ा आपने पे करना होता है एनुअल बेसिस पर। और रेंटल इनकम जो है, ये प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप ले रहे हैं, उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो ये 6 टाइप का आपकी जो एनुअल इनकम हो रही है उस पर फिर
15% से लेकर 20% तक आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स थी टैक्सेस की, जिसमें सबसे अहम और सबसे जो आपके समझने के हवाले से या जिससे आपको केयरफुल रहना है वो वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स सिर्फ जो नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके ऊपर लगता है, और जिनकी जो वैल्यू है एक मतलब 150 स्क्वायर मीटर से बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर 18% है, अगर 150 स्क्वायर मीटर से छोटी है तो उसके ऊपर 8% है, और पुरानी प्रॉपर्टी पर 1% है। कमर्शियल है तो उसके ऊपर जो है 2% है, अगर वो रेजिडेंशियल है तो 1% है। ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन वैल्यू एडिड टैक्स आपको नहीं देना, आपने बिल्कुल नहीं देना। जो बंदा आपको सेल कर रहा है उसी ने देना है, और मालिक मकान ने देना है, फॉरनर ने नहीं देना होता। अब यहाँ पर जो है एक सवाल मैं आपका क्लियर करता जाऊँ, आपने पेमेंट का प्रूफ देना होता है कि जो बीइंग ए फॉरनर आप पेमेंट लेकर आए हैं कैश, वो जब आप एयरपोर्ट से लेकर आ रहे होते हैं ना कैश, तो एयरपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर होता है या कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होती है उससे आपने एक लेटर लेना है, एक आपने उससे रिटन डॉक्यूमेंट लेना है कि मैं इतने पैसे लेकर आया हूँ। अगर आप $20,000, $50,000, $1,00,000, $2,00,000 कैश लेकर आए हैं तो वो आपने कस्टम जो है वो डिक्लेरेशन या कस्टम से रिटन एक लेटर लेना है कि ये जो है मेरा नेम सरनेम और ये फलां डेट को इस फ्लाइट से आया और इसके पास इतना कैश था। वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा और आप टर्की में चले जाते हैं तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा कि ये आपकी लीगल इनकम है और आपने इससे प्रॉपर्टी खरीदी है, तो बाद में आप वो प्रॉपर्टी परचेज भी कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तो एट द एंड वो डॉक्यूमेंट आप पेश नहीं कर सकेंगे तो आपका जो मसला है वो लटक जाएगा। तो इसलिए जब आप कैश लेकर आएँ तो आपने एयरपोर्ट पे जब उतरना है उसी दिन उसी वक्त आपने कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से वो लेटर लेना है। ये बात बहुत ज़्यादा अहम है, इसको जहन में रखिएगा। दूसरी, अगर आप वाया बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली ऑलरेडी लीगल होगी। इस हवाले से जो है कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर देंगे, ताकि ये वीडियो में मिक्सअप ना हो। तो ये टैक्सेस और जो है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, कस्टम के जो डॉक्यूमेंट हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा अहम है, दोनों में याद रखिए। कमेंट ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप लिख दें। जी सर, ज़रूर। माशाल्लाह सर, आपने बड़ी तफसील से बताया और जिसकी हमारे भाइयों को बहुत ज़रूरत थी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।